अच्छा बच्चों, आज की क्लास खत्म। दीदी पता है आप बहुत सुंदर नाचती हो। पूरे गांव में कोई आपकी तरह नाच नहीं सकता। अच्छा, पर मैं तुम सबको सिखा रही हूँ ना, तो देखना एक दिन तुम सब मुझसे भी अच्छा डांस करोगे। पर दीदी, उससे पहले तो आपकी शादी हो जाएगी, और शादी हो जाएगी तो फिर आप चली जाओगी ना, तो फिर हमें डांस कैसे सिखा पाओगी? शादी के बाद भी मैं यही रहूंगी ना, इसी गांव में। इसलिए तुम सब घबराओ मत, मैं तुम्हें पूरा डांस सिखाऊंगी। पर ये कैसे हो सकता है? शादी के बाद तो लड़की अपना मायका छोड़कर ससुराल चली जाती है, और फिर शादी वाला घर ही उसका अपना घर होता है। इसलिए अब ये घर से पराया हो जाओगे, तो फिर आप यहाँ कैसे रह सकती हो? बहुत छूट मिल गई है ना तुझे इस घर में, इसलिए तू भूल गई है कि तू यहाँ हमारे रहमो करम पे पली है। तू इस घर का हिस्सा नहीं, बल्कि हम सब पर बोझ है, बोझ। सबसे कह दिया ना यहाँ आने के लिए। सब आ रहे हैं सिवाय तल्ली के, वो बच्चों को गरबा सिखाने गई है। और केसर तो बिना बताए घर से बाहर निकल गया होगा। अरे नहीं, वो तल्ली को छोड़ने गया है, आता ही होगा। और गुलाल? मैं यही हूँ मोटा भा, वो जमुना काकी को नाश्ता देने गई थी। सुबह नाश्ते में नहीं आई थी ना वो, लेकिन वो सो रही थी इसलिए उन्हें जगाया नहीं। कल रात को भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। बा, तूने खाना नहीं खाया, चल खा ले कुछ। अरे बा, खाने से क्या नाराजगी है, हैं? चल खाना। एक दिन नहीं खाऊंगी तो मर नहीं चाहूंगी। वैसे भी मैं मरूं या जीऊं, किसी को क्या फर्क पड़ता है, सब समझती हूं। इस घर में मेरा अपना कोई नहीं, यहां तक कि मेरा बेटा भी नहीं। अरे ये क्या कह रही है बातों, हैं? तो बेटा मेरा है, पर साथ देता है उन लोगों का। देख बा, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत समझ रही है तू। कुछ गलत नहीं समझ रही हूं मैं, इतनी समझ तो है मुझ में कि गलत और सही का फर्क कर सकूं। अरे गुलाल, कैसी है तू? एकदम ठीक। तू खुश तो है ना? एकदम। आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। और घर पे सब ठीक? बिल्कुल। बैठना। और केसर, काम वाम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। वैसे तो काम में ध्यान देना अभी शुरू किया मैंने, लेकिन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है काम में। पर मैंने तो सुना है कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हो। रेवा बता रही थी कि काम इतना है कि कभी कभी आने में देरी हो जाती है। अब करना तो पड़ेगा ना, अब मेरे पास में बाप दादाओं की जायदाद तो है नहीं,